No. আমি 30 মিনিট ভিতরে 20 মিনিট ভিতরে এই উৎসবকে শেষ করিবা। তর্জমান সাহিত্য আশার আজ গোটে সফল হয়েছে, গোটে সুন্দর বার্তা বহন করছে, সুন্দর আত্মীয়তা বহন করছে, সাহিত্যর প্রকাশ দিগরে এখন পুলকিত সকাল হয়েছে। আমার গহণরে এই যে তর্জমান সাহিত্য আশরক যে বঞ্চাই রাখছেন সুভাষ স্বাইঁ, সান ভাই সুভাষ আছে, মু তাকে নিবেদন করিবি সে কবিতাটি পড়িবে। সুভাষ স্বাইঁ, आप सबको प्रणाम। माफी चाहता हूँ आपसे, जरा लेट हो गया मेरा, क्योंकि मेरी पत्नी उम्मीद से है। कहने का मतलब ये है, कितना बजे तक हम घर पहुंचे वही उम्मीद है। अब गलत मत सोचिए, मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। यहाँ जितने पति लोग बैठे हैं सब पतियों के लिए, यहाँ जितने पति लोग बैठे हैं जी खोल के हंस लो, घर में तो आप नहीं हंस पाते, घर में तो आप नहीं हंस पाते। लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, बेझिझक हंस लो। पिछले दिनों में मैं एक दोस्त का घर गया था, कलिंग बेल बजाया, एक बच्चे ने आकर कहा यस। मैंने कहा आपका पिताजी घर में है? फिर बच्चों ने कहा व्हाट, यही हमारी स्थिति है। इंग्रजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, इंग्रजी सिखाओ, ये इंग्लिश आपको पैकेज दे सकता है, ये इंग्लिश आपको तरक्की दे सकता है, ये इंग्लिश आपको नौकरी दे सकता है, ये इंग्लिश आपको पैसा दे सकता है, लेकिन संस्कार नहीं दे सकता। ये इंग्लिश आपको संस्कार नहीं दे सकता, ये संस्कार मातृभाषा से और पिता माता से मिलते हैं। एक 5 साल की बच्चे उसकी माँ से पूछ रहा है, एक 5 साल के बच्चे उसकी माँ से पूछ रहा है, मॉम हाउ मेनी फादर्स हैव आई। तो माँ ने कहा व्हाट। फिर बच्चों ने कहा हु इज माई रियल फादर। बच्चा कंफ्यूज में है, घर में एक फादर, स्कूल में एक फादर, वही कंफ्यूज चलाया। देखिए, मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, मैं जरा धार्मिकता का भी सुनाता हूं। एक बार मैं रामदेव बाबा का आश्रम गया था। एक शिष्य से मैं पूछा बाबा रोग ठीक करने के लिए योग सिखाते हैं, फिर क्यों दवाई बेचते हैं? तो शिष्य ने कहा बाबा योग माध्यम से हाथ पैर जोड़ते हैं, बाबा रोग योग माध्यम से हाथ पैर जोड़ते हैं और दवाई की माध्यम से आप सबको लूटते हैं। देखिए कभी कैसे होते हैं, ज्यादा प्रेम करने वाले कवि होते हैं, जो प्रेम में डूब जाए वही कविता लिखता है, और जो धोखा खाया, प्रेम से धोखा खाया, वही कविता लिखते हैं। तुलसीदास और कालिदास दोनों महाकवि बन गए, मैं भी महाकवि बनने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही कुछ हो रहा है। सब कवि हिम्मत वाला होना चाहिए, क्योंकि जिस कवि
पत्नी का ऊपर कविता लिखता है, मैं मानता हूँ वो हिम्मत वाला कवि है, मैं भी हिम्मत वाला कवि हूँ। सुनिए एक पत्नी का ऊपर कविता, उड़िया कविता। दिने दिने पति म छाड़िले रोई आउ कहिले होई हो कविता होई हो कि कवि होइछ कविता लेखुछ प्रेम सागर रे भुड़ी आउ मो विषय रे कभी किछि भी लेखिन मो विषय रे कभी किछि भी लेखिन बोधे का प्रेम रे गलोनी पड़ी आज पूरा हम मैरिज एनिवर्सरी आउ लेखन तोनी कविता दु चारि धाड़ी मु कहि सुनो खास तुम पाई बिना लघुचा पर तूफान तू चांदनी राती रे अमावस्या तू शीत ऋतु रे काल बैसाखी तू चार पोक तू मधुमक्खी तू तथापि मजबूरी रे कहे तथापि मजबूरी रे कहे तो संग जेबे होइतिला मो जातकर मेलक आउ राति सपन रे डोरी डोरी मली देखि तो भयंकर रूप मा काली तू मा दुर्गा तू बाघिनी तू हस्तिनी तू तथापि मजबूरी रे कहे तथापि मजबूरी रे कहे मोर से बटी तू आई लव यू आउ कवि पत्नी रागिले पंचम तानरे कवि पत्नी रागिले पंचम तानरे कहिले ये कि उपमा देउछ मते भूली से छत्री को नारे प्रेम कविता लेखुछ मु कहले प्रिय तुम शब्द तुमको शब्द अलंकार रे सजई सुना पड़ुछि कविता तू ओरी पाए तुम माटी रास्ता पड़ी गलो आउ छेली लन जो पड़ी चूल पेटटा तुम पृथ तुम भूल तारे नहीं बाल तथापि मजबूरी रे कहे मोरंग पति तू आई लव यू ठीक भल लगे स्त्री को टिके रोके देबा तापर तक मन देबा आ जे स्त्री एका पर मानी जाए सही स्त्री तब पर घटना दान पर गुडा सापकला आस्ती सापक हे तो से भी सही आ ओही समय रे साप केटे आसीला पद्म तोला गीत गाई साप खेलाइला भला भला कोही साप फणा रे चुमिला निज वीरत्व बण को गर्व रे कहिला आउ साप कला कथा सुनी ताच्छल्य हसिली किना गर कुचु बोली बेगे पचारिली विरोध पे कहिला से अहिराज अछि उद्धत होइले ताकु गद सुंगाउछि केलार वचन शुणी आश्वस्ति मु हेली किछि टंका देइ म गद किणिली नबी विचारिली अभिनय कहिली भाई केते टंका नबो नागुनिते अछि घरे गद सुंघाइब आउ स्मित होछि साप खला कहिला तुरते लोड़ा नाही गद मंत्र सुन शुद्ध अछि ते आउ से हो प्रेम बंधन रे बंधा बंध तुम्बे तांकु सात जन्म पाइसी पूजिबे तुमको छाड़ी से आसी बापा माँ भाई साई जत्न नियो तुमे तांको विश्वासी स्वामी हुई आउ एथि बंधे स्त्री पाखे जाई उबा हेली सात जन्म पाई तांको प्रेम भिक्षा कली जय जगन्नाथ।